बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक्स सो मच। बहुत 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 ही गंदे दिन थे वो, बहुत ज़िंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, नहीं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है, उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। एक सरकार पे भरोसा था कि हाँ सरकार कुछ करेगी और उनको छुड़ा लेगी। हाँ सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ कि कुछ सीक्रेट्स होंगे वो जो मीडिया को या हमें वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ, अगर नहीं बताया तो हाँ जब उनका मन होगा वो आएंगे तो मिल लेंगे, तो वेलकम हो जाएगा उनका। सबसे पहले तो बात करना चाहिए। हाँ सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूँ तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिस तरह सरकार की बातचीत हो रही थी तो हाँ हाँ भरोसा तो आ रहा था, पर ज़्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था भरोसा। तो अब जब आएंगे तो क्या क्या खिलाएंगे या क्या उनका वेलकम होगा? खिलाएंगे, खुशी करेंगे, सब कुछ खिलाएंगे उनको। हाँ वेलकम अच्छी तरह करेंगे उनका। तो यही दुआ थी, पता चला उन्होंने नक्सलियों ने, जब तब भी थोड़ा सा हुआ कि चलो ठीक है, जब नक्सलियों ने हमारा अपना पत्र जारी किया था, चलो हमारी तो फिर यही उसके बाद यही उम्मीद थी, चलो अब तो सरकार इसको छुड़ा ही लेंगे।